हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, जैसा कि फिजिकल एजुकेशन के सभी कंपटीशन एग्जाम का यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार की वीडियोज अवेलेबल हैं। चाहे आप थ्योरी सेशन पढ़ना चाहे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 79 वीडियोज का मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रैक्टिस कराया हुआ है बीपीएससी टीआई 2 में। वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोस का प्रैक्टिस जरूर कीजिए, चैप्टर वाइज कराया गया है। और मैं इस सेशन में 2024 के सेशन में ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए यह 88वां वीडियो है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, संधियों या जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एक क्वेश्चन रोज रिपीट करते करते आप लोगों के दिमाग में हो गया है, गलती नहीं कीजिएगा। इसको ऑर्थोलॉजी कहा जाता है, ठीक है? ऑर्थोलॉजी कहा जाता है जोड़ों के अध्ययन को। एंड अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी एंड मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी। नेक्स्ट दोस्तों, वह अक्ष जो मानव शरीर को ऊपर नीचे हिस्सों में बांटता है। यहाँ पे अक्ष की बात नहीं कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे तल की बात कर रहा है। टाइपिंग में यहाँ पे गलती हुआ है। तो तल यानी प्लेन जो होती है, कौन सी प्लेन ऐसी है जो शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटती है? तो तीन टाइप के तल होते हैं, यानी प्लेन, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। तो सेजिटल जो प्लेन होती है, शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटती है। गति आगे पीछे होती है, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन मोमेंट। और जो फ्रंटल प्लेन होती है वो शरीर को आगे पीछे बांटती है, और गति जो है दाएं बाएं होती है, जैसे एब्डक्शन, एडक्शन मोमेंट। और तीसरा होता है हॉरिजेंटल प्लेन, जो शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटती है, और गति जो है रोटेशन, एलिवेशन मोमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका शरीर को ऊपर नीचे भागों में कौन सा प्लेन बांटेगी? तो हॉरिजेंटल प्लेन, यहाँ अक्ष नहीं होगा, प्लेन होगा। नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन भी उसी तरह है। वह अक्ष जो शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है, तो यहाँ पे अक्ष भी नहीं पूछा है, तल पूछा है प्लेन। तो शरीर को आगे पीछे भागों में कौन सा प्लेन बांटता है? तो फ्रंटल प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव का रुधिर होता है। तो दोस्तों, आप सही जवाब इसका दे दिए होंगे। अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है कि गहरे रंग का होता है? तो आप सबसे पहले देखिए, एक रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 तक होता है। यानी कि जो रक्त का मान होता है आपका, अगर 7 है, ठीक है, रक्त का मान अगर 7 है तो आपका क्या हो जाएगा? उदासीन है। और 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगा। तो रक्त का मान कितना होता है रुधिर पीएच मान? 7.35 से 7.45 होता है। तो यहाँ पे आपका रक्त कैसा है दोस्तों? तो क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का ताप नियंत्रण करता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा जो मस्तिष्क होता है उसका तीन भाग होता है, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र भाग में हमारा प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आता है। मध्य भाग में पूरा क्वाड्रिजेमिना एंड सेरिब्रल पेनकल आता है। एंड पश्च भाग में हमारा मिडला ऑब्लॉन्गेटा और सेरिबेलम आता है। तो यहाँ पे जो ताप नियंत्रण की बात कर रहा है तो यह हाइपोथैलेमस करता है। दोस्तों, हाइपोथैलेमस जो है यह प्रेम, घृणा, हर्ष, विषाद, क्रोध, सेक्स यानी सभी प्रकार के भावनाओं का केंद्र है। और हाइपोथैलेमस जो है ताप नियंत्रण केंद्र है, हार्मोन पर नियंत्रण केंद्र है। पीयूष ग्रंथि के हाइपोथैल हार्मोन को भोजन, जल संतुलन के नियंत्रण करने का केंद्र है। भूख प्यास लगने का केंद्र हाइपोथैलेमस है। कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपापचय जैसे कार्य भी हाइपोथैलेमस करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे कुछ स्टैटिक यानी सांख्यिकी के क्वेश्चन हो गए हैं, 5-6 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप
स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीन चार क्वेश्चन सांख्यिकी के हैं। देखिए, दो द्विखंडी यानी टू डायमेंशनल चरों के मध्य सहसंबंध निकालने के लिए उपयुक्त सांख्यिकी है। दोस्तों, इसके लिए उपयुक्त सांख्यिकी है चतुष्कोप्टिक सहसंबंध, क्वाड्रिक कोरिलेशन। नेक्स्ट है, शून्य परिकल्पना वह होती है जो केवल द्विपक्ष परीक्षण द्वारा परीक्षित होती है। ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। नेक्स्ट है, चरों का नियंत्रण किया जाता है। दोस्तों, चरों का नियंत्रण जो है वह क्षैतिज अध्ययन में किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अप्राचरिक परीक्षण किसके लिए उपयोगी है? तो दोस्तों, अप्राचरिक परीक्षण जो है वर्णन और अनुमान दोनों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है, शब्द साहचर्य वर्ड एसोसिएशन कौन सा परीक्षण है? तो ये वर्ड एसोसिएशन जो है स्मृति यानी मेमोरी परीक्षण के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष गाया गया? तो दोस्तों, यह गाया गया 1948 लंदन ओलंपिक में। नेक्स्ट दोस्तों, मेसोमोर्फिक मध्यम गठित शरीर की विशेषता क्या है? तो दोस्तों, मेसोमोर्फिक सेलेनेटिंग बॉडी टाइप बांटे हुए हैं, एंडोमेसो एंड एक्टोमोर्फिक। ठीक है, एंडोमोर्फिक जो है वो जिसे बिस्ट्रोटोनिक भी कहा जाता है, शरीर मोटा कोमल, बहुत खाने की प्रवृत्ति, आराम तलब, विनोद प्रिय होता है। एंड मेसोमोर्फिक जो होता है उसको सोमेटोटोनिक भी कहा जाता है, सुदृढ़काय बॉडी होता है, अस्थि पंजर व पेशियां विकसित मजबूत बॉडी होता है, साहसी उत्साही सशक्त होता है। और तीसरा होता है एक्टोमोर्फिक, जिसे सेरेब्रोटोनिक भी कहा जाता है, प्रमस्तिष्क प्रधान, यह लंबा दुबला पतला कमजोर और सुंदर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मेसोमोर्फिक जहाँ बात करेगा वहाँ पे आपका ताकतपूर्ण शरीर, मजबूत बॉडी रहेगा। ठीक है, मसल्स प्रधान, तो मांसलता और ताकत यहाँ पे राइट आंसर होगा, मेसोमोर्फिक मांसलता और ताकत। और एक्टोमोर्फिक की बात करेगा तो वहाँ पे अस्थि प्रधान होगा दोस्तों, दुबला पतला होगा शरीर। ठीक है, तीनों की विशेषता क्या है? जो एंडोमोर्फिक होता है मोटा दुबला, मोटा कोमल और गोलकाय शरीर वाला, वह क्या होता है कि वो केवल ताकत वाले खेलों में ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे पावर लिफ्टिंग, गोला फेंक, लंबी तस्तरी फेंक, सुमो कुश्ती आदि। यानी एंडोमोर्फिक सुलसुलाबादी वाला जो होता है, मोटा शरीर वाला, वह एजिलिटी या स्पीड और चपलता एरोबिक क्षमता वाले खेलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। और जो मेसोमोर्फिक होता है वो सभी चीज़ों में ताकत, चपलता, चाल से संबंधित खेलों के लिए अच्छा होता है। जो एक्टोमोर्फिक होता है दोस्तों, वो सहनशीलता व जिम्नास्टिक के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कृशकाय आकार यानी एक्टोमोर्फिक है। अभी जस्ट बताई हूँ, एक्टोमोर्फिक में दुबला पतला शरीर होगा, तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि मांसपेशी, हड्डियाँ और शरीर के अन्य वसा रहित ऊतक, वसा रहित ऊतक यानी कमजोर बॉडी, दुबला पतला शरीर। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क। नेक्स्ट है, किसी खिलाड़ी की शारीरिक रूपरेखा के लिए निम्नलिखित में किसका विचार किया जाता है? तो दोस्तों, अगर किसी खिलाड़ी की शारीरिक रूपरेखा ले रहे हैं तो किसका विचार करेंगे? भार का, कि कद का, कि मांसपेशीय ताकत का? ठीक है, यहाँ पे हम उसके भार और उसके कद दोनों का मेजरमेंट लेंगे, उसकी रूपरेखा लेंगे, तो क ख दोनों राइट होगा। नेक्स्ट है, एंडोमोर्फिक की पहचान है। जस्ट अभी मैं तीनों की विशेषता बताई हूँ। एंडोमोर्फिक क्या है? गोल काय बॉडी होता है, थुलथुला बॉडी, मोटा शरीर, तो थुलथुला और मोटा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ओलंपिक खेलों में हॉकी प्रतियोगिताएं पहली बार एस्ट्रोटर्फ यानी बनावटी सतह जो घास जैसी दिखाई पड़ती है पर कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों, यह आयोजित किया गया था मॉन्ट्रियल कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा में 1976 में, मॉन्ट्रियल कनाडा ओलंपिक में। नेक्स्ट है, ओलंपिक आदर्श वाक्य सीटियस अल्टियस फोर्टियस में अल्टियस का क्या अर्थ है? तो आपको पता है, फादर हेनरी डाउन ने ओलंपिक मोटो दिया है,
आदर्श वाक्य सीटीएस आरटीएस फोर्टीएस। अब चौथा वाक्य भी जुड़ गया है जिसका हम कम्युनेटर कहते हैं, लेकिन अब हम आदर्श वाक्य को बोलेंगे सीटीएस आरटीएस फोर्टीएस कम्युनेटर, यानी फास्टर हायर स्ट्रांगर टुगेदर, यानी और तेज और ऊंचा और बलशाली एक साथ। यहाँ पे आरटीएस का अर्थ पूछा है सीटीएस आरटीएस फास्टर हायर, हायर मतलब उच्चतर और ऊंचा, यहाँ पे उच्चतर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक के आदर्श वाक्य सीटीएस आरटीएस फोर्टीएस, तेज दौड़ना, ऊंचा उठना, शक्ति से भरपूर प्रयास करना, वाक्य किसने दिया था? तो फादर हेनरी डिनार ने दिया था। नेक्स्ट दोस्तों, मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो आप सबको पता है इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और जो इंसुलिन या शर्करा के बैलेंस को अच्छा रखता है, और भोजन के ऑक्सीकरण ऊर्जा बनाने में भी सहायक होता है। जब इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने लगता है। इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता दोस्तों, और जो है ज़्यादा मात्रा में जो ग्लूकोज यानी शर्करा होती है रक्त में प्रवाहित होने लगती है, जिसे मधुमेह यानी डायबिटीज कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो चीज़ें होती हैं, अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई यानी इंसुलिन की कमी हो गई तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपो। दोस्तों यहाँ पे नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, जब इंसुलिन की कमी हो जाती है और जो है इंसुलिन जो है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता कर पाता ज़्यादा, तो रक्त में ग्लूकोज यानी कि शर्करा की वृद्धि हो जाती है, जिसे डायबिटीज या कहते हैं, इसको हाइपरग्लाइसेमिया भी कहते हैं। लेकिन जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, उसको हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। नेक्स्ट है, व्यायाम किसके वजन में वृद्धि लाता है? तो दोस्तों व्यायाम जो है एड्रिनल ग्रंथि में वृद्धि लाता है। नेक्स्ट है, किन रक्त कोशिकाओं में नाभिक केंद्र नहीं होता? दोस्तों न्यूक्लियस या नाभिक किसमें नहीं होता? तो रेड ब्लड सेल्स में, रक्त यानी लाल रक्त कणिकाओं में नाभिक नहीं होता, इसलिए यह जाकर के प्लीहा में जाकर के मरता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन वाह्य स्रावी ग्रंथियों का उदाहरण है? दोस्तों एड्रेनल ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी नलिका विहीन ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती हैं और वाह्य स्रावी ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती हैं। तो वाह्य स्रावी ग्रंथियों में आपका ये हो गया लार ग्रंथि, आपका वाह्य स्रावी ग्रंथि है। पैंक्रियाज जो है वो मिश्रित ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है, जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? तो दोस्तों संयोजी ऊतक का उदाहरण जो है यहाँ पे अस्थि, उपास्थि, टेंडन सभी हैं, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक बात आप लोग क्लियर कर लीजिए दोस्तों, जैसा कि संयोजी ऊतक, जैसे कि जो आपका टिशू होता है चार प्रकार का होता है, एपिथेलियल टिशू यानी कि उपकला ऊतक, कनेक्टिव टिशू, मस्कुलर टिशू एंड नर्वस टिशू, जिसमें से आपका एपिथेलियल टिशू कई प्रकार का होता है, जिसमें से कनेक्टिव टिशू होता है। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो चार प्रकार के होती हैं, सिंपल, फाइबर्स, स्केलेटल एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सिंपल कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत हमारा एरियोलर, पिगमेंटेड, एडिपोज एंड रेक्टिकुलेट आते हैं, जबकि तंतु में संयोजी ऊतक फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत हमारा वाइट फाइबर, टेंडन, लिगामेंट आते हैं, और स्केलेटल कंकाल संयोजी ऊतक के अंतर्गत कार्टिलेज और बोन यानी अस्थि उपास्थि आता है। फ्लूइड यानी तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत रुधिर एंड लसिका आता है, ये सभी संयोजी ऊतक के अंतर्गत आएंगे।
नेक्स्ट दोस्तों, माइक्रो चक्र का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा ट्रेनिंग साइकिल होता है, तीन भागों में उसे बांटा गया है, माइक्रो, मीजो और माइक्रो चक्र। इसमें से माइक्रो चक्र जो होता है 3 से 12 महीने का होता है, यानी 1 साल का, और मीजो चक्र जो होता है दूसरा चक्र, वो 3 से 6 सप्ताह या 1 से 1.5 माह का होता है, 30 से 45 दिन का, जिसे तैयारी काल या मासिक ट्रेनिंग चक्र या अवसन चक्र भी कहा जाता है। तीसरा होता है माइक्रो चक्र, जो सबसे छोटा चक्र या सूक्ष्म अवधि या साप्ताहिक योजना भी कहा जाता है, जो 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह का होता है। यहाँ पे माइक्रो चक्र का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? साप्ताहिक चक्र। नेक्स्ट है, अल्पकालीन प्रशिक्षण योजना किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म अवधि चक्र या साप्ताहिक चक्र, इसको माइक्रो चक्र को कहते हैं। नेक्स्ट है, माइक्रो चक्र योजना किस सन में स्थापित हुई थी? दोस्तों यह डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका सही क्वेश्चन मालूम नहीं है, इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है, खेल प्रशिक्षक का मुख्य लक्ष्य अच्छे परिणाम प्राप्त करना होता है, अच्छा प्रदर्शन दिखाना होता है, यह कथन किस सिद्धांत को प्रकट करता है? दोस्तों खेल प्रशिक्षक के सिद्धांत, मैंने 11-12 सिद्धांत आपको बताए हुए हैं, स्पोर्ट ट्रेनिंग के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सभी चीजें देखिए, तो यह परिणाम प्राप्ति का सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, परिणामों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य एवं सिद्धांतों को निर्धारित करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह भी कहलाता है परिणाम प्राप्ति के सिद्धांत के अंतर्गत, यह भी आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में विषम क्या है? तो एथेरिस, टेंडनाइटिस, स्प्रेन, स्ट्रेन, ये तीनों के तीनों क्या हैं? मुलायम ऊतक के चोट हैं, यानी टेंडन लिगामेंट के चोट हैं, बट यहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है कठोर ऊतक का चोट है, स्ट्रेस फ्रैक्चर, इसलिए अलग है। नेक्स्ट दोस्तों, रिफ्लेक्स एक्शन का संबंध किससे है? रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है, मेरुरज्जु, तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती क्या है? जैसे हमारे तंत्रिका तंत्र शरीर को बड़े पैमाने पर अनैच्छिक अथवा चेतन अवस्था में नियंत्रित करता है, और प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन की खोज जो है मार्शल हॉल ने किया था, जैसे सांप को देखकर अचानक भाग जाना, धमाका सुनकर चौंक जाना, गर्म वस्तु छूने पर तुरंत हाथ हटा लेना, ये सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। तंत्रिकाओं के भीतर जो है ये संवेदनाएं गति होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक अप्रतिबंधित और एक प्रतिबंधित। अप्रतिबंधित जो होता है जन्मजात होता है, जैसे तेज प्रकाश पड़ने पर पुतली का सिकुड़ना, छींकना, खांसना, ये सभी जन्मजात प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, रिफ्लेक्स एक्शन है। एक होता है प्रतिबंधित, जिसे हम नियमित अभ्यास से, प्रशिक्षण से सीखते हैं, जैसे प्रारंभ में इनका निर्माण हमारा मस्तिष्क, इसका जो नियंत्रण होता है मस्तिष्क करता है, बाद में इनका नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा होता है, जैसे साइकिल चलाना, प्रारंभ में आप बार बार गिरते हैं, उसका संचालन हमारा मस्तिष्क करता है, और बाद में सीख जाने पर आप बात करते हुए भी, सोचते हुए भी चलाते हैं, यानी कि उसका ऑटोमेटिक संतुलन हो रहा है मेरुरज्जु के द्वारा। ठीक है, जैसे कि साइकिल चलाना, नाचना, टाइपिंग करना, तैरना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आना, ये सभी आपका प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया है। नेक्स्ट है, लंबे समय के गठिया में व्यायाम तथा मालिश का सुझाव भारत के निम्न पुरातन ग्रंथ में मिलता है, तो किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों आयुर्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चिकित्सक अपने मरीजों का इलाज भोजन और मालिश द्वारा करने के साथ साथ चलने और दौड़ने के हल्के व्यायामों को भी करने का सुझाव देते थे, तो कौन थे वो चिकित्सक? दोस्तों वो थे आपका हिप्पोक्रेटस, जिन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, यूनान के थे। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में निम्न देशों के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों की रुचि गति विज्ञान के विषय के प्रति थी, तो कौन से देश था? यूनान देश यानी ग्रीक देश के चिकित्सक थे। नेक्स्ट है, किसको गति विज्ञान का पिता कहा जाता है किनेसियोलॉजी का? तो वो है अरस्तु। नेक्स्ट दोस्तों, पशुओं के अंग व जानवरों की गति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो है अरस्तु के द्वारा लिखी गई थी।
नेक्स्ट दोस्तों, निम्न चिकित्सक बीमारियों के इलाज के लिए जिम्नास्टिक को महत्व देता था। कौन था वो चिकित्सक दोस्तों जो बीमारियों के इलाज के लिए जिम्नास्टिक को महत्व देता था? तो वो था हेरोडिकस। ठीक है, नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? मुख्यतः तो आप सबको पता है, जो हमारी लंबी अस्थियों में खोखला भाग होता है जिसे हवेरियन नाल कहते हैं, उसमें अस्थि मज्जा होता है। अस्थि मज्जा के स्टेम कोशिका के द्वारा होता है। तो यहाँ पे अस्थि मज्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब भ्रूणावस्था में पूछेगा तो यकृत में होगा। ठीक है, भ्रूणावस्था में निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। ऐसे मुख्य रूप से निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों आरबीसी जो है वो आयरन हीमोग्लोबिन के कारण वो लाल दिखाई देता है। और हीमोग्लोबिन जो है हीम एक आयरन होता है और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, दोनों से मिलकर बना होता है, जो क्या करता है ऑक्सीजन को अपने अंदर लेकर के समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो यानी आरबीसी का भी कार्य क्या होगा? ऑक्सीजन का संवहन करना। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स का प्रमुख कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना यानी रोगों से बचाव करना। नेक्स्ट है, छोटी यात यानी स्मॉल इंस्टेंटाइन की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों तो 6.5 मीटर यानी कि 22 फीट होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रेनिन नामक रस भोजन में कहाँ मिलते हैं, विलय होते हैं? तो दोस्तों जो जठर रस होता है, जठर ग्रंथि, वो अमाशय में पाई जाती है। ये सभी जाके विलय कहाँ होते हैं? अमाशय में। तो जो दोस्तों जठर ग्रंथि अमाशय में से जठर रस निकलता है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज आदि एंजाइम निकलते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है एक तेजाब जैसा जलता हुआ पदार्थ है और जो भोजन को लुगदी बना देता है, आए हुए कंकड़ पत्थर को खत्म करता है, जीवाणुओं को खत्म करता है। और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पेप्टोन में बदलता है। रेनिन जो होता है दूध को कैसीन में बदलता है, दही जमा देता है एंड दूध को पाचन करता है रेनिन। और गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो वसा यानी कि फैट का पाचन करता है। नेक्स्ट दोस्तों, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? पित्तरस यानी बाइल जूस का निर्माण यकृत में होता है, स्टोर पित्ताशय यानी गॉल ब्लेडर में होता है। पित्तरस जो है वो वसा यानी कि फैट का पाचन करता है। नेक्स्ट, यकृत यानी लीवर का भार कितना होता है? दोस्तों तो 1.5 kg होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? आप सबको पता है 12 से 20 बार सांस लेता है। और एक बार सांस लेने में 5 सेकेंड का समय लगता है, तो 60 में आप गुणा कर लेंगे, 12×5=60 यानी 12 से 20 बार सांस लेता है आपका मनुष्य। लेकिन दोस्तों जब कोई आप एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप 40 से 50 बार सांस लेते हैं। और नॉर्मली आपका 12 से 20 बार, जब आप प्रशिक्षित हो जाते हैं, एक प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, तो उस कंडीशन में आपका श्वास की गति जो है कम होती है, 8 से 10 बार होती है। नेक्स्ट दोस्तों, मस्तिष्कीय तंत्रिकाओं की कितनी जोड़ी होती हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है 3 भागों में बांटा गया है, CNS, PNS, ENS। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा मस्तिष्क और मेरु रज्जु आता है। PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें 43 जोड़े नाड़ियाँ आती हैं, जिसमें से 12 जोड़े नाड़ियाँ हमारे मस्तिष्क से निकलती हैं और 31 जोड़े नाड़ियाँ मेरु रज्जु से निकलती हैं। और तीसरा होता है ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं 12 जोड़ी और मेरु रज्जु से 31 जोड़ी। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछ दिया कि मेरु तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं, अभी जस्ट बताई हूँ 31 जोड़े। नेक्स्ट दोस्तों, मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो 1350 से 1450 cc होता है, आप सबको पता है। अब बड़े यहाँ पे ओम्स में दिया है, तो ओम्स में आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 ओम्स। नेक्स्ट है, भारत में किसी ओलंपिक ऑर्डर का स्वर्ण पदक मिला है? तो भारत में इंदिरा गांधी को मिला हुआ है और लोगों को दिया हुआ है जिसका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन सबसे पहले भारत में इंदिरा गांधी को ही मिला है। नेक्स्ट है, BMI क्या मापता है? तो दोस्तों शरीर की वसा को मापता है, क्वेश्चन आया हुआ था, BMI बॉडी मास इंडेक्स, और यह शरीर को वसा को मेजर करता है। ठीक है, BMI बॉडी मास इंडेक्स यानी कि आपका जो भार है
आपकी लंबाई के हिसाब से सही है या नहीं ये मापता है। बीएमआई निकालने का सूत्र होता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट दोस्तों ओसीओजी क्या है? तो दोस्तों ओसीओजी जो है वह ओलंपिक का आयोजन करने वाली मेजबान देश की संस्था है। ठीक है, याद रखिएगा ओलंपिक का आयोजन करने वाली मेजबान देश का संस्था है। दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे एंड जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे अन्य लोगों तक वीडियो पहुँच सके और डेली बेसिस पर इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।